यू ऑल एडोरेबल पीपल आउट देयर, आई एम उमा ताहिर और प्रेजेंट करती हूँ एमन और मुनीब की लुक बुक। जी हाँ, ये माशाल्लाह से हज का महीना है और लास्ट ईयर ये कपल हज पे गया था, तो मुझे लगा कि इनकी लुक बुक के अंदर मुझे ये पिक्स भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और सेक्रेट सा कपल लग रहा है। तो जी, अगर आपको इनके लुक्स पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप ईद पर इनके लुक्स को फॉलो करके बहुत ही अडोरेबल लग सकते हैं। गर्ल्स एमन के लुक को फॉलो कर सकती हैं और मुनीब के लुक्स को बॉयज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कपल पोजेस चाहते हैं कि ईद पे आप किस तरह दें, तो आप इनके पोजेस को फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह इस कपल की ये क्वालिटी है कि चाहे ये ट्रेडिशनल कपड़े पहने तो भी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, और चाहे ये वेस्टर्न कपड़े पहने, मॉडर्न कपड़े पहने तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि इनकी वेडिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे एक्सपेंसिव, सबसे क्यूट, सबसे अडोरेबल और सबसे तवील तरीन वेडिंग थी। जाहिर सी बात है कि शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, तो अगर किसी के रिसोर्सेज हैं तो क्यों नहीं, मतलब उनको अपनी शादी पर स्पेंड करना चाहिए। तो माशाल्लाह ये हर अंदाज में अच्छे लगते हैं, ये मॉडर्न कपड़े पहने तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर ट्रेडिशनल कपड़े पहने तो मतलब फिर तो क्या ही कहने। आप देखें एमन का ड्रेस देखें माशाल्लाह, और मुनीब का आप देखें, इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इनकी वेडिंग तो थी ही ऑसम। अच्छा, अगर आप इस तरह के ड्रेसेस जिस तरह इन्होंने पहना है इस पिक में 14 अगस्त पे पहने तो भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। माशाल्लाह देखिए, बहुत ही सिंपल लग रहा है और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, और इस तरह की ड्रेसिंग जो आप ईद पे कर सकते हैं। अच्छा ना, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट कपल है और वेडिंग तो बहुत ही क्यूट थी, लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड में सबा कमर ने जिस तरह इनको क्रिटिसाइज़ किया और मजाक उड़ाया, आई थिंक सबा आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब कोई अखलाकियात भी होते हैं, उनकी शादी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो वो उसको जिस तरह मर्जी सेलिब्रेट करे। तो सबा जैसी सीनियर एक्ट्रेस से ये तवक्को नहीं थी हम लोगों को। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ का पता चल सके, और मैं इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए वैसे वीडियोस लाऊंगी। तो हम सबा कमर की बात कर रहे थे, इतनी सीनियर एक्ट्रेस, पता नहीं ये क्यों फैशन बन गया है कि सीनियर जूनियर एक दूसरे की टांगे खींचने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। यासिर हुसैन को आप देखो, यासिर हुसैन तो पहले ही मतलब कॉन्ट्रोवर्सी के किंग हैं, और मेरा ख्याल है लक्स स्टाइल अवार्ड में उन्होंने जो कुछ किया है पूरे पाकिस्तान के, मतलब पूरे जो भी मुस्लिम जहाँ भी उन्हें देख रहे हैं, उनकी लानत मलामत तो उन्हें ज़रूर मिली होगी। और अब सबा कमर भी उनकी लाइन पे चल पड़ी है, और बहुत ही अफसोस की बात है। शादी किसी का भी पर्सनल मैटर है, ठीक है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, फजूल खर्चे इस्लाम भी मना करता है, लेकिन यार आम लोग भी तो इतना मतलब एक्सपेंसिव वेडिंग्स करते हैं, सिर्फ उनका पता नहीं चलता। अगर वो स्लैब्स है तो उन्होंने किए, तो काइंडली प्लीज़ उनकी लाइफ पर इस तरह क्रिटिसाइज़ मत करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।